पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सीए के विरोध में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आई, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करते वक्त उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उपद्रव और तांडव मचाया था, जिसके बाद में गिरफ्तारियां हुई, यहां तक कि उनके संपत्तियां जब्त की गई। मगर कुछ लोगों के गिरफ्तारी के बाद में उनसे जो इनपुट मिले बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन एसडीपीआई का भी सामने आ रहा है। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों का बड़ा खुलासा। पांच सदस्यों का एसडीपीआई से निकला सीधा नाता। सीएए हिंसा के पीछे एसडीपीआई के नेताओं का हाथ। एसडीपीआई ने दिया हिंसा भड़काने में पीएफआई का साथ। सीएम के कार्यक्रम में दंगा करवाने की थी साजिश। एसडीपीआई के सदस्यों ने की दंगों की जमीन तैयार। सीएए के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसा हुई और इस हिंसा में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। पहले खबर ये निकल कर आई कि इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है, तो पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सदस्यों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कानपुर के बाबूपुरवा से 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए पीएफआई के पांच सदस्यों का सीधा ताल्लुक एसडीपीआई से निकला है। पुलिस की पूछताछ में पीएफआई के सदस्यों ने मुंह खोला और कई राज बाहर निकल आए। सीएए के विरोध में हिंसा भड़काने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई राजनीतिक चेहरा बनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की मदद कर रही है। इंटेलिजेंस टीम ने सदस्यों से पूछताछ की तो पता चला कि एसडीपीआई के कई नेता अपनी छवि का फायदा उठाकर सीएए के विरोध में हिंसा भड़काने में पीएफआई का साथ दे रहे थे। इन्हीं नेताओं की मदद से सीएए के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि पुलिस ने कानपुर के बाबूपुरवा से 31 जनवरी को पीएफआई के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में पांचों ने खुद को पीएफआई सदस्य बताया था। पूछताछ में पता चला कि पांचों पीएफआई की राजनीतिक शाखा एचडीपीआई से जुड़े हैं। इतना भर नहीं है, ये सभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दंगा करवाने की साजिश कर रहे थे। आईबी की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पीएफआई के इशारे पर एसडीपीआई के सदस्यों ने दंगे की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। 3 जनवरी को मेरठ में पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन और उसके ड्राइवर अब्दुल मुईद हाशमी को गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि आईबी ने ऐसे करीब एक दर्जन एसडीपीआई के नेताओं की सूची तैयार की है, जिनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के साथ ही उनकी पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अभी गिरफ्तार सभी पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।